नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज दूसरा दिन है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की दूसरी इनिंग का। बतौर चीफ मिनिस्टर आज दूसरा दिन है और वाकई में उनकी ऊर्जा, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि काम करने के मूड में। आज वो किश्तवाड़ का दौरा करेंगे। यहाँ पर आग लगी थी, काफ़ी नुकसान वारवन में वह काफ़ी नुकसान हुआ था और वहाँ जा कर के लोगों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि कोई कॉम्पेंसेशन की भी घोषणा करें। कल ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग ली और बड़े अच्छे तरीके से कहा कि एक ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में बनने चाहिए कि कहीं ऐसा ना लगे कि चीफ मिनिस्टर जा रहा है और ट्रैफिक जैमिंग हो जाए और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर इस पर पूरे 5 साल या जब तक ये सरकार चलती है, मैं तो चाहूँगा पूरे 5 साल सरकार चले, 5 साल इस पर अमल रहे। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, वो खुद उमर अब्दुल्ला भी मानते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब आवाज़ ये उठने लगी है कि चनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। अर्जुन राजू रामबन से जीत के आए हैं और सज्जाद शाहीन वो भी वहाँ से जीत के आए हैं जहाँ से उन्होंने वकार रसूल को हराया है। ये बहुत बड़ा एक आवाज़ उठने लगी है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। 2 लोग जीत करके आए हैं, पीर पंचाल को मिल चुकी है, जम्मू को मिल चुकी है, साउथ कश्मीर को मिल चुकी है, नॉर्थ कश्मीर को मिल चुकी है, लेकिन खिता चुनाव रिप्रेजेंटेशन को तरस रहे हैं। जी जी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर है, राज्य का दर्जा दिए जाने पर याचिका दायर की है, याचिका पर जल्द सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये हम बार बार कह रहे हैं कि जहूर अहमद भट्ट ने दायर की है याचिका और इसको लेकर के लंबे समय से स्ट्रगल भी किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, इस पर याचिका दायर की गई है और जहूर अहमद ने ये याचिका दायर की है और ये कहा जा रहा है कि इस पर जल्द ही सुनवाई होगी। दर्शकों, आपको बताते चले कि इससे पहले भी एक याचिका दायर की गई थी कि जो 5 सदस्य मनोनीत किए जाने हैं उसको, उसका राइट जो है LG को नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ खारिज कर दिया था और कहा था कि ये पहले हाई कोर्ट में जानी चाहिए याचिका, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए। और ये याचिका जो है चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के रविंद्र शर्मा ने की थी और साथ साथ बताते चलो कि मानु अभिषेक सिंह भी उनकी पैरवाई करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया। एक बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं खिता चुनाव को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, ये चिंता का विषय है। आज हम चर्चा करेंगे चुनौतियां क्या हैं और मुझे लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाम को एक लंबे अंतराल के बाद सरकार मिली है, अपनी सरकार मिली हुई है, चाहे किसी भी पार्टी को, लेकिन एक लंबे समय के बाद जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है। एक पॉजिटिव सोच लेकर के सरकार को चलने दें या सरकार के कामकाज पर निगाह विपक्ष ने रखनी होती है और सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है कि दोनों खितों को, क्योंकि एक जो ट्रेंड बन के आया है कि जम्मू खिते की रिप्रेजेंटेशन पर एक सवालिया निशान बना हुआ है कि 29 विधायक जम्मू BJP से हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ हैं सोहित शर्मा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चंद्रमोहन गुप्ता जी फॉर्मर मेयर हैं और भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में एडवोकेट तेजा सिंह हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। शेख बशीर, मुबारक हो आपको, आपकी पार्टी जीती है और लंबे अंतराल के बाद, हालांकि ये दूसरा टर्म है उमर अब्दुल्ला का और आपसे, आपकी सरकार से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, अब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से अब जनता की चुनी हुई सरकार है। क्या आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? जो वादे आपने मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के साथ किए थे, क्या आप फुलफिल कर पाएंगे? क्या आपको इन वादों को फुलफिल करने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी? तो केंद्र सरकार के साथ लाइजनिंग कैसे बनेगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के दूसरे दिन में मिल रहे हैं जी। मैं मशकूर हूं कि आपने मौका दिया कि आज मैं अपनी बात रख सकूं और पहला ही क्वेश्चन जो आपका है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वादे किए हैं उन वादों पे पूरा उतरेंगे और आप
आपका जो इसके साथ दूसरा सवाल है कि क्या इन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के ताउन से ही चलेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो सामने रखती है और लोग उस मैनिफेस्टो को पढ़ के फैसला करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा किया है और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी उस भरोसे पे पूरा उतरने की। जी, जो दूसरा सवाल है कि इसमें सेंटर और जम्मू कश्मीर के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा अच्छे रहने चाहिए। इश्यूज़ कंटेजियस हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं जहाँ तनाव बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन कंपेन हो रहा था तो बहुत सी चीज़ें उस इलेक्शन कंपेन में हुई, हर एक पार्टी ने अपने आप को सामने रखा, अपना मैनिफेस्टो रखा। लोगों के मैंडेट की कदर करनी चाहिए। जम्मू में मैंडेट मिला है बीजेपी को और मैं खुश हूँ, ज़ाती तौर पर मैं खुश हूँ कि हुकूमत को एक अच्छा चैलेंज अपोजिशन के रूप में 29 MLA हैं जम्मू से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत को एक चैलेंज है। लेकिन मैं चैलेंज नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हालात में 2024 में हम लोगों के सामने जा रहे हैं, इश्यूज़ लोगों के हैं, ख़तरनाक इश्यूज़ हैं, महंगाई है, डेली वेजर्स का आपने कहा, डेली वेजर्स का इशू है, बेरोज़गारी है, और इसके साथ साथ कई इश्यूज़ हैं जहाँ बात होनी है। मगर मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो ताकत दी है, जो हुकूमत बनी है, वो लोगों के मैंडेट से बनी है। जी, जिसको जो मैंडेट मिला है, मैं दूसरी मुबारक जम्मू के लोगों को देना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने बगैर वक्त गवाए ही जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। है एमसी का। और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा अपने इब्तदाई अल्फाज में कि चनाब वैली में शिकायत है। मैं ये समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट बनती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो जो कैबिनेट बनती है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे उसमें हर एक आदमी MLA मिनिस्टर नहीं बनता जी। कोई ना कोई तो मिनिस्टर नहीं बनता है, और जो बनता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की खिदमत करे, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड लें जी। अगर वो मनमानी करेगा तो नहीं चलेगा जी। और 2024 में तो बिल्कुल नहीं चलेगा जी। दूसरी मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब उमर साहब को कि उमर साहब ने कल जो पहला फैसला लिया जी बिल्कुल, कि ये जो रेड टेपिज्म है, ये जो अफसरों के अंदर लाल फीताशाही है, ये जो अफसरों के अंदर अफसर शाही है कि जनाब जब चलेंगे जी। तो मेरे जाने के रास्ते में रास्ता रोका ना जाए जी। लोगों का रोका ना जाए जी। नंबर दो, सायरन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। नंबर तीन, उन्होंने ये जो कहा है जी। कि जो लहरा डंडा लहराया जा रहा है, शायद वो भूल गया, उसने ये भी कहा है कि जो ये डंडा लहराया जा रहा है, इस डंडे लहराने को बंद कर दें। वो एक सिग्नल है कि लोगों के अगर इश्यूज हैं, कहीं इश्यूज बनते, डंडे के बगैर बात करो जी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये समझ लिया है कि वक्त आ गया है कि लोगों के इश्यूज़ को आप हल करो, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लो। अभी कल ही, आज शाम को देख रहा था, कठुआ में कोई किसी चीज़ पे स्मार्ट मीटर्स के ऊपर इश्यू था, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, लेडीज पुलिस इस्तेमाल हुई, और वो शायद कल की बात, कल की बात है, और कल की ही बात में कल ही चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डंडे का इस्तेमाल ना करना चाहिए। चलिए, और ये सारी चीजें जो हैं जो आपने सवाल किए हैं, हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर कायम रहेंगे। तेजस्वी सिंह जी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सरकार के अलायंस हैं, और कांग्रेस की खासतौर पर बात करूँ, उन्होंने 6 सीटें जीती हैं, 1 जम्मू प्रोविंस से जीती हैं, 5 कश्मीर से जीती हैं, आम आदमी पार्टी की 1 सीट है मान लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे जैसे घी में से बाल निकालते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से साइडलाइन किया गया है, और सरकार की फॉर्मेशन से पहले ऐसा कोई रोड मैप नहीं तय किया गया है, एजेंडा ऑफ अलायंस जिसको हम कहते हैं, कि उसके मुताबिक सरकार चलेगी। लेकिन जी, पहली बात तो ये है, मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हमको बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त हलफ
बर्दारी की रस्म अदा हो रही थी। उस वक़्त कांग्रेस की जो क्यादत है, सेंटर की क्यादत है, वो वहाँ मौजूद थे और उनकी सरपरस्ती जो है वो चीफ मिनिस्टर के सर पर है। हम बिल्कुल इंडिया अलायंस के घटक दल हैं और हमने घटक दल के नाते ये इलेक्शन लड़ी है। और इस वक्त क्योंकि बहुत कम मिनिस्टर बनाने की ज़रूरत है, मतलब ला ही ऐसा है कि आप 9 से आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि हम उमर साहब को, उमर साहब तजर्बाकार नेता हैं, उन्होंने पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनके सर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे मंजे हुए सियासतदान की सरपरस्ती है, तो हमने उनको कहा कि आप बिल्कुल हुकूमत करें और हम आपको, आपके साथ हैं, आपकी हर संकट की घड़ी में आपकी ताकत बन के आपके साथ रहे। बिल्कुल कोई इस वक्त भी हमारे लिए सीटें खाली हैं। हम अगर आज चाहें तो आज भी हम गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, मिनिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी सेंटर की जो क्यादत है, हमारी उस क्यादत ने ये फैसला किया कि हमको उमर साहब को बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्यों चंद्रमोहन जी? जी जी, कांग्रेस के हालात कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? पहले तो मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से वाल्मीकि जयंती है, सबको जी आपके चैनल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, पूरे जम्मू वासियों को और देशवासियों को, क्योंकि पहली बार वाल्मीकि समाज को रिजर्वेशन मिली थी। और साथ में हमारे बड़े भाई बशीर जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी पार्टी जीत की आई है, इनको भी और इनकी सारी पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ, चिमचर साहब को, सबको, कि ये सरकार चले। यहाँ तक कांग्रेस की बात है, अभी हमारे एडवोकेट साहब बोल रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हमारा वो सरपरस्त सारे वहाँ गए थे। कांग्रेस की सरपरस्ती तो इनके ऊपर, एनसी के ऊपर रही जब से ये वजूद में आई देश आज़ादी के बाद, तो तभी यहाँ तक एनसी वाले ये फूलते फलते रहे। मैं तो इसके साथ ये भी जोड़ दूंगा, अगर पाकिस्तान जब फूलता है, जब देश में कांग्रेस की सरकार होती है तो पाकिस्तान फलता फूलता है, जब देश में कोई और सरकार होती है तो वो बैगर बन जाता है, वो हमारे बोलते हैं कटोरा लेके भागता है। पिछले 10 साल से आप पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं, आपकी सरपरस्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के पाकिस्तान के ऊपर भी है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि अब हम अभी नींब, सुनिए प्रेशर टैक्टिक्स तो है इनका, ये चाहते थे हमें हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले, सीटें जीती हैं 6 तो बनना चाहते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बाहर के अंदर की बात क्यों बताएंगे जी। और जिन्होंने सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, उन्होंने अपने हिसाब से सरकार चलानी है, तो ये अभी बाहर बैठ के देखेंगे, जब इनकी बातें जो इन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स किया वो होगा, जब मंजूर हो तब जो जाएंगे उसके अंदर। लेकिन जम्मू वासियों ने यह साबित कर दिया है, जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कांग्रेस मुक्त का नारा है पूरे देश के अंदर, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अभी चुनाव हुए हैं, वो लोगों ने साबित करके दे दिया। और आने वाले समय में जो चुनाव महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, जहां झारखंड में आ रहे हैं, वहां भी ऐसे ही परिणाम आने वाले हैं, कांग्रेस धीरे धीरे करके पूरे देश से मुक्त होने वाली है। और जम्मू कश्मीर की बात तो अभी साबित कर दी है, बाकी बड़ी देर के बाद चुनाव हुए हैं, 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती में सरकार बनी उमर अब्दुल्ला के है, तो ये चलनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन मैनिफेस्टो की बात जहां आएगी, अभी क्या कहते हैं कि जुमे 1-1.5 दिन हुआ है, आने वाले समय में जो वादे किए हैं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो है इनका जी, उसके ऊपर लोग पूछेंगे, मांगेंगे, जो 200 यूनिट बिजली फ्री करनी है या और कोई महिलाओं को जो पेंशन वगैरह लगानी है, बहुत से मैनिफेस्टो में बातें हैं। मैं चंद्रमोहन जी आपको रोकूंगा। तो दर्शकों, आपने देखा पंचकुला में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने शपथ ली, लेकिन चंद्रमोहन गुप्ता जी आप बता रहे थे, चंद्रमोहन गुप्ता जी, मैं यही कह रहा था कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 10 साल की इस देश के बागडोर संभाली है, तो यही उनका एक कांग्रेस मुक्त का जो नहरा था
उसके ऊपर पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में जिस तरह हरियाणा में जे सरकार बना के भी बैठे थे, वहाँ मंत्रियों के भी मंत्रबाट हो चुकी थी, उसके बावजूद भी हारे हैं बाद में जाकर, वो मानते नहीं थे। आने वाले समय में झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भी इनकी यही हालत होने वाली है। और जो कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर तो हम लोगों ने देख ही लिया है, मैं यही कहूँगा कि जो सरकार बनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय जम्मू कश्मीर की पीएम साहब ने कहा है, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं दोस्ती एनसी से है। जिस तरीके से आपकी स्टेटमेंट चाहिए, आपके बड़े नेताओं की स्टेटमेंट चाहिए कि उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ो, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करो। देखिए बशीर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। 35 साल से मिलिटेंसी का दौर देखा जम्मू कश्मीर के लोगों ने जी। उसमें मैं नहीं कहता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को उसकी कहीं ना कहीं चोट लगी है। तो आज अगर 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, हालात बेहतरीन हुए हैं। अभी बता रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ गया था। गया कैसे? ये हालात नॉर्मल किए केंद्र गवर्नमेंट ने, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा, होम मिनिस्टर द्वारा, तो आज तब जाके वहाँ पर बैठे हैं जी। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, आने वाले समय में हमारे व्यापार बढ़ें, हमारे लोग, हमारे बच्चे जो हैं, कितने नौजवान बच्चे हमारे इस मिलिटेंसी के बलि चढ़ गए। तो आने वाले समय में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि टूरिज्म जहां बढ़ा, टेररिज्म से हम टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं जी। तो आने वाले समय में इस टूरिज्म को और बढ़ाएं। और चलिए सोहित जी से जानना, सोहित जी आप मुझे ये बताइए, कल ने स्टेटमेंट दी थी, पीसी चीफ ने भी, सज्जाद गणी लोन ने भी स्टेटमेंट दी थी कि एक पहला रेजोल्यूशन ये पास होना चाहिए कि 370 और 35 को वापस लाया जाए जी। सोहित जी देखो विनोद जी, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में रहे, जिस तरह से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सब्से बड़ी बात यह हमारी स्टेट सब्जेक्ट और लैंड सब्जेक्ट को खत्म किया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो नेचुरली मैं तो सबसे पहले बशीर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एनसी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए बशीर साहब, एक बात मैं ज़रूर क्लियर बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता की एक ही आवाज़ है कि सबसे पहले उनके स्टेट सब्जेक्ट के बारे में सोचा जाए और लैंड सेफ एक्ट के बारे में सोचा जाए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हाथ से छीना है। तो आंदोलन तो ये बहुत आगे चलेगा, अगर एनसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो नेचुरली पीडीपी तो आगे चल ही रही है। हम चाहते हैं कि अगर एनसी ने हुकूमत संभाली है तो एनसी इसका पूरे जोर शोर से 370 का समर्थन करे और पूरे जोर शोर से पार्लियामेंट में भी आपके एमपी 370 और 35 की बात रखें। और जहां तक बात रही जम्मू कश्मीर की, अब जिस तरह से एसआई का स्कैम हुआ है, ये भी बिल्कुल क्लियर निकलना चाहिए कि इस स्कैम के पीछे कौन लोग हैं, यही बाहर आने चाहिए। और जिस तरह से फाक का स्कैम हुआ है, तो कहने का मतलब है जो 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर 2024 तक जितने भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं बाहर आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या कुछ होता रहा है और आगे क्या होने वाला है, ये सब बातें सामने नजर आ। यानी आप चाहते हैं कि द्वेष की भावना से सरकार को चलाया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात विनोद जी, एक बात रह गई, भावना द्वेष की नहीं। सबसे बड़ी बात ये है बशीर जी, दरबार मूव, हमारी जम्मू की जनता और खासकर जम्मू के व्यापारी बड़े नुकसान में चल रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो जल्द से जल्द दरबार मूव का ऑर्डर निकाल दें, चलिए तो उससे ये हो जाएगा कि जम्मू के व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। और आने वाले समय में ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि ये ताज जो है ये कांटों का है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं रहबरे जंगलात की बात करूंगा, बशारत मकसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बशारत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, थैंक यू, मैं सुन पा रहा हूं। बशारत, आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने बीजेपी की हुकूमत में भी कोशिश की थी कि आपके इशू रिजॉल्व हो पाए, लेकिन हो नहीं पाया। अब नई सरकार बनी है, इससे क्या तवक्को है आपको? सर पहले तो शुक्रिया कि हमारी बात इनके पास पहुंचाने के लिए। मेरी सर बस यही है कि अभी नई सरकार बनी है तो हमारी जितनी भी मुसीबत हमने पिछले इतने सालों में झेली है ताकि वो खत्म हो जाए,
उम्मीद तो बहुत है इस सरकार से कि ये सारे मसले जो ऐसे हैं, जो लीगल और लेजिटिमेट मसले हैं, वो ये हल करेंगी। जिन मसलों को लेके हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी पिछले इतने सालों से, शायद वो लीगल मसले जो हैं, इनके पास लेजिटिमेट मसले हैं, तो वो ये सरकार हल करेगी, ये हम पूर्व उम्मीद है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये सारा जल्द से जल्द ये स्टार्ट करेंगे इनको हल करने का। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है, कुछ एश्योरेंस आपको मिली है, और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो कमिटमेंट सरकार ने की थी वो क्यों फुलफिल नहीं की गई? जी सर, हमारी मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब से शपथ ग्रहण से एक दिन पहले मुलाकात उनके ऑफिस में हुई, तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था, उन्होंने बात हमारी सुनी और उन्होंने एश्योर भी वहाँ पे किया कि जो भी आपका लेजिटिमेट इशू है वो हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे तो लग रहा है सर कि ये उम्मीद है। और बाकी रही पिछली बात है सर, ब्यूरोक्रेटिक राज में आपको पता ही है कि हमारा जो लीगल मसला भी होता था उसको हल करने के लिए हमें पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि हम लीगल। आखिरी सवाल, कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी बोली गई थी। जी 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 बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। कुछ चीजें ऐसी थी कि सर यहाँ पे जो कैबिनेट डिसीजन हुए थे 2017 में या उससे पहले कोई भी कैबिनेट डिसीजन था, जो भी पिछली सरकारों ने पास किया था, उसको तो पहले मानने से ही इनकार किया जा रहा। तो 2 साल तक हमने हर एक दरवाजा खटखटाया, हर एक चौखट खटखटाई, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी अब है। और बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी हम मिले जिनके पास हो सकता था उस टाइम पे कुछ करने का वक्त था, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं था। और हम 330 लड़के जो पीएचडी करके हैं अभी तक उसी हाल में हैं जो हम सर पिछले 3 सालों से उसी हाल में हैं जिस साल में हम थे। इस वक्त आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, इस वक्त आपका स्टेटस क्या है, आपकी फाइल कहाँ पे है? मेरे ख्याल में अगस्त में लास्ट मीटिंग हुई थी आपकी। जी सर, बड़ी मुश्किलों से ही से आगे चल के आगे चल चल के हम एक स्टेज पे पहुंचे थे जहां पे 14 अगस्त 2024 को एक मीटिंग हुई थी फाइनल डिपार्टमेंट में, जिसमें हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट, जीएडी, कोर्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस इन्वॉल्व था। उसके बाद इनको एक रिपोर्ट देनी थी, उसको एक इनको रिपोर्ट एक फॉरवर्ड करनी थी जिसका एजेंडा ही उन्होंने रखा हुआ था, सब्जेक्ट जो था वो था रेगुलराइजेशन ऑफ रेवर जंगल एम्प्लॉय। लेकिन उसके बाद फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तो वो स्टेटस सर वहीं का वहीं है और अभी उससे आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ। चलिए बशारत, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आई है, नई उमंग है, नई ऊर्जा है, और जो हमने देखा है वर्किंग स्टाइल इस 2 दिन में, ऐसे लगता है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं इनका रफ्ता रफ्ता हल हो जाएगा। ये तो पहला है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका आपने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र ज़रूर किया है, कहीं वो गले की फांस ना बन जाए, क्योंकि बिना केंद्र सरकार के वो इशू रिजॉल्व नहीं हो सकते। जी विनोद जी, बहुत सी बातें हुई जी। मैं पहले मेरे दोस्त चंद्रमोहन गुप्ता जी ने एक बात कही कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत, तो मैं उस पर ज़रा जाना चाहता हूँ। सियासत ये वहम छोड़ दीजिए, 2024 के चुनाव को दीवार पे लिखी हुई तहरीर पढ़िए। जिस कांग्रेस को, जिस अलायंस के एजेंडे को आपने कहा ये घुसपैठियों का एजेंडा है, वो आज पार्लियामेंट में है। और किसी को कोई मुक्त नहीं होता जी। वक्ती तौर पर चीज़ें होती हैं, एक मिनट, वक्ती तौर पर चीज़ें होती हैं। जो रहबरे जंगलात की बात ये कर रहे थे, ये हमारा प्रायरिटी के ऊपर एजेंडा है, डेली वेजर्स, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, ये चूंकि वो प्रोग्राम थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज़माने में चले, मुश्किलात थी जी। और ये चलते चलते 2014 में बीजेपी सरकार ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मसला हल करेंगे, डबल इंजन सरकार नहीं कर पाई, आखिरकार ये मसला वहीं पहुंचा जहां हम आज हैं जी। और उमर साहब अगर ये कमिटेड है, उमर साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड कि इसको हल करना है। दूसरी चीज़ आपने जो सवाल किया कि केंद्र के बगैर नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है उसको अगर केंद्र ये समझता है कि जम्मू कश्मीर उनका है
तो फिर क्यों नहीं होगा? 47 से लेके आज तक, अगरचे ये कहते हैं कि 370 की वजह से ये था वो था, आज तो वो चीज नहीं है। जम्मू कश्मीर सारा पीओके मिला के, मैं बिल्कुल कह, पहले ये वाला तो संभालिए, वो जो उधर वाला है उसको पहले रहने दीजिए। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि सियासत अपनी जगह, ये जो इश्यूज हैं, ये सब इश्यूज जो हैं, ये लोगों के हित के लिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर, जिस तरह दरबार मूव की भी बात की, दरबार मूव यस, दरबार मूव होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की, कल ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये बात की है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते ही पहली बात उसने की कि जम्मू के अंदर जो मुश्किलात हैं वो दरबार मूव की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और जम्मू की इकॉनमी ख़त्म हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू की इकॉनमी के ऊपर एक और असर होने वाला है। आपने गलत किया था दरबार मूव बंद करके, सरासर करोड़ों रुपए बचे हैं सरासर। एक मिनट मैंने सुन लीजिए, दरबार तो आ रहा है, चीफ मिनिस्टर भी आ रहा है, एनजी भी आ रहा है, सारे एक विशेष सेक्टर आ रहा है, पार्टी जो कौन सा दरबार नहीं आ रहा है। पहले सुन लीजिए ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा, फाइलें खत्म हो गया, यही मुसीबत है इनके। ऑनलाइन सिस्टम में अडानी और अंबानी को फायदा हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा नहीं हो सकता है। पासपोर्ट मार रहे हैं, घर बैठे लसन, इनकी नियत ही नहीं है वो। पहले सुन लीजिए मुझे प्लीज, इसका कहीं का बंदा हो राशन हर जगह ले सकता है। सुन लीजिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को ऑनलाइन की बात जब करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बनी में जाके जाइए, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, मड़वा में ऑनलाइन नहीं हो रहा है, कहाँ जाएंगे वो लोग? आप जम्मू कश्मीर अस्पताल के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ ऑनलाइन से नहीं हो सकता, स्कूल के अंदर टीचर जो है उसकी जरूरत है ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्लासें पढ़ाई जा रही है। अब ये जम्मू में भी पढ़ाया चंद्रमोहन जी, जम्मू के हवाले से भी देखो, ये एयरपोर्ट से लेके घर बैठे रेलवे टिकट हो रही है, यही प्रिस्क्रिप्शन गलत है, यही लगते थे हम लोग। यही प्रिस्क्रिप्शन गलत है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कमिटमेंट है कि स्कूल के अंदर टीचर होगा, अस्पताल के अंदर डॉक्टर होगा, ऑनलाइन बहुत सी चीजें नहीं हो रही हैं, लोग दरबदर हो रहे हैं, लेकिन किसी को सुनने की, अब उनको सुनने के लिए नुमाइंदे हैं, नहीं होगा भाई साहब, आज नहीं आप पूछेंगे, एक दो महीने के बाद पूछेंगे कि हर स्कूल में टीचर आ गया, आज नहीं पूछेंगे। सीधी बात है, इस पर बात करें आप, क्यों कचाते जी, आज सारा दरबार आ रहा है, ऑनलाइन फाइलें, आप क्या कहते हो है वो पीडीपी फाइल जहाँ से वहाँ जाती है, जम्मू का दरबार मूव होना चाहिए, अभी तीन सीटों में आ गई है, अभी तीन सीटों में आ गई है, आएगा वक्त जम्मू से आपको नहीं रहेंगे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने कहा कि जम्मू के अंदर दरबार मूव ही नहीं, रेल कश्मीर के टच करेगी तो जम्मू पठानकोट से बदतर हो जाएगा। जम्मू के अंदर लोग होटलियर्स, कारोबारी लोग बड़े परेशान हैं, चंद्रमोहन जी को शायद नहीं लगता है, लेकिन रघुनाथ बाजार में जाके पूछो, गांधीनगर में बिजनेस वाले को पूछो, रानी मंडी, रायते रोड खत्म हो गया है, लो रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मैं मंडी में बैठता हूँ, मेरी भी दुकान वहाँ पे रहे, तो आप भी परेशान हैं, लेकिन आपका एजेंडा ही अलग बन गया, करे तो क्या करे, सब रोटी खा रहे हैं, कोई नहीं बुखार रहा, आप तो परेशान हैं। अब इसका दूसरा पहलू है, हर एक आदमी खा रहा है जी, एक मिनट, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी है, मेरा टाइम बीच में जा रहा है इस डिबेट में। मैं आपको बताता हूँ, जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 सीटें मिली हैं और 6 सीटें हमने छोटे से मार्जिन से हारी हैं, लेकिन जो हार गए सो हार गए। और मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ आपके माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर साहब को अपील करूंगा कि जम्मू के 29 MLA को बुला के स्टेज के ऊपर उनके साथ डिस्कस करो कि रिक्वायरमेंट क्या है। आपको मैं बताता हूँ कि लास्ट कैबिनेट की मीटिंग थी 2014 की, इस लास्ट कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजेस को रेगुलराइज हो जाना होना था, बड़ी उम्मीद थी डेली वेजेस को, लेकिन सियासत के नापाक इरादों ने किया क्या, रिटायरमेंट की एज 58 से 60 बढ़ा दी। राजेंद्र सिंह ताज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डेली वेजेस को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले तो ताज साहब, एक उम्मीद बनती है जब रजीम चेंज करता है, रजीम में बदलाव आता है, सत्ता बदलती है, तो एक उम्मीद, आपको नई सरकार से क्या उम्मीद है? जी शुक्रिया आपका। देखिए, तब मानमंदर जी 2013 में दिसंबर में ललकार रैली
मैं उनके सामने जुगल जो शर्मा जी ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला वो 60,000 डेली भेज रहे हैं, तो 10 साल ये भी लोग हमें गुमराह करते रहे, तो हम ये उम्मीद करेंगे जो कैबिनेट का एजेंडा, जो कैबिनेट साहब कमेटी में राठौर साहब जिसके चेयरमैन थे और श्यामलाल शर्मा जी उस कमेटी के पीएचसी के मंत्री के तौर पर मेंबर थे और लोग भी मेंबर थे, उस कमेटी की रिपोर्ट को पहली कैबिनेट में मंजूरी देके इंप्लीमेंट किया जाए, ये राठौर साहब ने दो दिन पहले कहा और बशीर साहब मेरे साथ खड़े बड़ी बार इनके इनका भी इंटरव्यू, इन्होंने ये कहा कि हमने सब कुछ किया था, सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग कर रही थी, उस जो रिपोर्ट को हमने अमली जमा बना के फिर स्टैंप लगानी थी कैबिनेट की और वो कानून बन जाता, लेकिन 10 साल से हम वेट कर रहे हैं। आप उमर साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर आए, हम उनका वेलकम करते हैं, उम्मीद करेंगे कि वो जो रिपोर्ट है वो पहली कैबिनेट में उस रिपोर्ट को हम 60,000 लोगों को रिलीफ देंगे और बीजेपी के लोगों को भी, या हमारी रिक्वेस्ट है इस मुद्दे को अगर उमर साहब करते हैं उसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, केंद्र से करवा के इस मुद्दे को 90 के 90 एमएलए आगे हो गए, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में हो। ताज साहब आपका जवाब एक मिनट बशीर साहब देंगे, फिर मैं चंद्रमोहन जी से भी लूंगा जो इन्होंने वादा आपके साथ किया था जब इनकी सरकार थी। जी ताज साहब जी, पहली बात यह है कि आपने जो बातें कही, अभी दो दिन पहले ही राठौर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि फैसला हो चुका था कि इनको डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना है जी। एक कैबिनेट सब कमेटी बनी जी, कैबिनेट सब कमेटी के कहा गया कि भाई देखो टोटल क्या है, वो फिगर्स जो है वो वेरी करने लगे, जब वो वेरी करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं दोबारा इसकी छानबीन करो, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उस वक्त करते करते एक स्टेज आई कि एक फिगर आया कि इस इतने डेली वेजर्स को करना है, मगर इन बिटवीन फ्लड आ गया और फ्लड की वजह से लगभग एक महीना धर्म भरम हो गया सिस्टम, ये परसों उन्होंने कहा है। मैं कहता हूँ वो जो उसमें बहुत अच्छा बहुत सी चीजें हो गई, मगर मैं ये कहता हूँ कि जब 10 साल हो गए ये फ्लड के अंदर जो फाइलें थी वो भी अगर आपने देख ली, क्योंकि 10 साल तो आपके पास थे, तो 10 साल में आप कर क्यों नहीं रहे आपने? अच्छा ये एक्सक्यूज आपको कैसा लगता है जो नहीं बशीर साहब दे रहे हैं, जो बशीर साहब एक्सक्यूज दे रहे हैं कैसा लगता है? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको अब ये सियासी अखाड़ा ना बने, जहाँ पे आपने इसको छोड़ा था वहीं से इसे दोबारा शुरू करो, 10 साल जिसको हो जाएंगे उसको SR-64 के सारे बेनिफिट थे, उस कमेटी में ये कहा गया था और राठौर साहब ने क्लियर किया है, हम ये चाहेंगे आप 10 साल के पीरियड को जो बीच का 10 साल पीरियड है ये हमें स्पेशल गेट मार्क्स जिसको कहते हैं एग्जाम में दिए जाते हैं, 10 साल लोगों को रेगुलर करके हमें रिलीफ दी जाए, हम पिछले 2.5 साल से प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं और आप ही ये जानते हैं बड़ी बार आपके साथ हम चैनलों पर बैठे हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमें बीजेपी वालों ने बैकडोर भी कहा, पाप की गेंटी भी कहा, दहेज में आए हुए कहा, लेकिन हमने वो सब चीजें सहन की, आज आपके पास मौका है उमर साहब को दोबारा परमात्मा ने उस ऊपर मालिक ने एक मौका दिया है कि उस हिस्ट्री में अपना नाम दोबारा दर्ज कराए, गलतियां होती है सरकारों से और गलती को ठीक करने का मौका कभी कभी किसी किसी चीफ मिनिस्टर को मिलता है और आपको दोबारा मौका। साहब हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी भी हैं जो फॉर्मर मेयर है, बीजेपी के सीनियर नेता है और उधमपुर के प्रभारी थे, सभी सीटें जितवा के आए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी से सवाल कीजिए, चंद्रमोहन गुप्ता जी से क्षमा कीजिए। हमें एज ए मेयर जम्मू मेयर हमें अपने ऑफिस में बुलाया था और इन्होंने एलजी साहब से स्पीकर से बात भी की थी और हमारा टाइम ही फिक्स हो गया था कि हम इनको कास्ट यूनिवर्सिटी चट्टा में मिलेंगे, लेकिन दो दिन के बाद दोबारा मेयर साहब बुलाया हमें बड़े गुस्से में, पहले अपनी एजुकेशन वापस लो तभी आपकी बात होगी, आप इनको किसने वहां से मैं आप ये वर्ड बोलना चाहता, किसी ने मना किया या किसी ने प्रेशर इनको डाला? बड़े गुस्से में चंद्रमोहन जी थे, कभी गुस्से में होते नहीं है, हंसते रहते हैं हमेशा, लेकिन हम उस दिन चंद्रमोहन जी आपसे कुछ आपको कुछ कहना चाहते हैं चंद्रमोहन जी? आप साहब देखिए यूटी में थे हम पिछले 10 साल में, यूटी के का जब से आए यूटी के कारण कुछ काम नहीं हो सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। मैं अगर एज ए मेयर की बात करूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मैंने 600 जो लोग थे उनको परमानेंट किया, जो हमारे डेली वेजर थे कैसे उनको 200 को और परमानेंट किया, जो पोस्टें हमारे पास खाली हुई डेली वेजर को, जो जो हम कर सकते थे वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अब हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आ गई है और हमारे मैनिफेस्टो में भी है, जब हम सरकार में आएंगे सबसे पहला काम डेली वेजेस का करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है और आज सरकार आई है और चुनी हुई सरकार के पास सारी पावर होती है, चुनी हुई सरकार ही सारे काम मालूम होगा। हेलो
सुन रहे हैं? हाँ ताज साहब सुन रहे हैं। आपने 2014 के मैनिफेस्टो में रखा था। बिल्कुल ताज साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में डेली वेजेस की एक फाइल तैयार की गई थी, आपको याद है इस बारे में? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत ये बीजेपी की हुकूमत में है, कश्मीर में ये बीजेपी की हुकूमत में है, 80 कश्मीर को बात कह रहे हैं, ये बीजेपी की हुकूमत में है। अरे मेरी बात सुनिए, SRO 520 से पहले मैडम महबूबा से हम मिले, जुगलो द्रावू साहब से मिले कि ये हमें मंजूर नहीं है, हमें जो कैबिनेट साहब कमेटी ने 2014 में जो रखा उसी को आप आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ाया जाता तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इस क्रेडिट के चक्कर में हम पिछली बार भी रह गए तो इस बार हम ना रहे, इसलिए मेरी गुजारिश है कि 90 के 90 एमएलए चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, इस मुद्दे को इंसानी मुद्दा समझिए, इसको प्लीज हल होने दें। हमारी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव आपका काम होगा, हम मिलके करेंगे इस बार, सरकार से कराएंगे, अपोजिशन के माए हम, एक मिनट नहीं होगा तो पुतले जलाएंगे। मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी से एक सवाल करना चाहता हूं। तेजा सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जी रजिंदर सिंह, रजिंदर जी तेजा सिंह जी हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अच्छा अच्छा जी, इनसे भी आप पूछ लीजिए, इन्होंने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया है। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 2002 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी हर एक कोलिशन में पार्टनर रही, और जब भी हम इनके बड़े बड़े नेताओं के पास जाते रहे, मेरे कई नेताओं से बड़ी निजी निजता थी, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया इस मुद्दे को हल कीजिए, अगर नहीं हल करोगे तो आप 2014 की इलेक्शन नहीं जीतोगे। और दिल्ली में जो कैरियर लेवल में कैबिनेट मिनिस्टर जितने वोट आउट किए थे वो 2014 में उनके अगेंस्ट वोट करके सबके सबको हराया, ये क्लियर है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। आज मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, चाहे पीडीपी के, चाहे बशीर साहब एनसी के रूलिंग पार्टी के हैं, या चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, ये कहते हैं हम उनसे करवाएंगे। आप चंद्रमोहन गुप्ता जी, आप केंद्र से फंड के लिए एनसी वाले एक दिन में कर देंगे, लेकिन इस मुद्दे को सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपका सरकार से करवाएंगे। चलिए, क्या आप विपक्ष में हैं तो आपको लगता है कि आप करवा पाए? विपक्ष के माई रहे हम नहीं, कल तक तो ये रूल कर रहे थे, दस साल ये इन्होंने 10 साल बता दिए सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में, इनके पास वही एक एजेंडा था। 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर 2014 इन कामों पर कंसंट्रेट नहीं किया। मेरा एक क्वेश्चन है, चंद्रमोहन जी को याद होगा कि बीजेपी ने अपने कार्यालय में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की, बिल्कुल शामिल, उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी फंडिंग क्या थी, क्या वजह हुई, क्योंकि जब डबल इंजन सरकार यहाँ भी थी वहां भी थी, कहते भी आए हैं आज, चलो ठीक है आज हम लोग हैं, हम कमिटेड हैं, और मैं इनको दावत देता हूँ कि आए, ये चूंकि 10 साल का जो गैप है, इस दौरान क्या क्या हुआ है, उमर साहब ने कमिटमेंट की है कि पहले कैबिनेट में इसका डिसीजन लिया जाएगा। 70 सालों का गैप बताते रहे आप, 10 सालों का गैप, 70 साल करते रहे फिर गायब हो जाएंगे, आपकी देन है सब जी, बिल्कुल। आप लोगों ने पर्ची पे 5-5 करके, मुझे याद है मैंने एक ही बदल हुआया, पहले उसको 480 मिलता था, फिर 980, फिर 1680, फिर उसके बाद धीरे धीरे करता आप 2600, जब हम आए 9000 कर दिया, नहीं ये इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट कर सकती है, यूटी वाले नहीं कर सकते इसको, अब सरकार आ गई है, अब करेंगे, आपकी सेंटर गवर्नमेंट थी, आप करवाएंगे, स्टेट का मसला है, स्टेट का नहीं है, एज लॉन्ग का मसला, यूटी में आपका गवर्नर होम मिनिस्टर के अंडर डायरेक्ट काम कर रहा है, आज ऑनलाइन सिस्टम है, बिल्कुल हो गई, सरकार फाइल भेजे, केंद्र सरकार उसको लेकिन इसके लोगों के भले के लिए आपके पास पावर नहीं थे। हम 90 के 90 लोग करेंगे डेली वेजर के लिए, बोल रहे आपके साथ है, पक्का करवाएंगे, इसी तरह दरबार मुंह के लिए भी 90 के 90 चलो, अगर फाइल नहीं होगी दरबार मुंह के लिए सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे दरबार मुंह के लिए, वरना दूसरी बार आपको नहीं इतना आपके खिलाफ आप छेड़ देंगे, जो मैंडेट आपको जम्मू ने दिया है उसी की कदर करते हुए आपको दरबार मुंह के विषय पे गवर्नमेंट के साथ
हाँ में हाँ मिलाकर दरबार का फैसला करवाना पड़ेगा। डेली वेजर के लिए हम गवर्नमेंट के साथ अगर नहीं होगा कोई फाइल दरबार मुंह में भी दरबार मुंह में साथ रहेंगे। जम्मू का बल्ला है, जो भी हमारे रावरे खेल जैसे भी यो काम है मेरे ध्यान में हम जंगलात करवाएंगे सारे। दूसरी बात फायर एमरजेंसी वाले मैं आपको बता, जितने भी रहबरे तालीम हैं, जितने भी फायर सर्विस वाले हैं, जितने भी ये सब एक इकट्ठा सिस्टम है और सबको ये जो सरदार साहब है ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनके जितने भी नुमाइंदे हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए अपने केस को प्लीट करें उससे पहले भी और आज भी जो किया है इन्होंने, ताकि पता लगे कि हुआ है ये कहाँ रुक गया, क्योंकि 10 साल कम वक्त नहीं होता है। चलो लगने में तो कुछ टाइम लगा लेकिन 10 साल तो हो गए। लेकिन तेजा सिंह जी आपकी सुनवाई नहीं है इस गवर्नमेंट में। बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल आप थोड़े धीरे से रहें, आप धीरे से रहें, हमारी सुनवाई किस कदर होगी आप खुद देख लेंगे। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं 42 और 6 में फर्क होता है, वो दूसरी थोड़ा बात है। ये गठबंधन है, हमने इलेक्शन गठबंधन के नहीं, नंबर्स पर नहीं हुई है, हमने गठबंधन के तहत इलेक्शन लड़ी है और उसी गठबंधन के तहत हम हुकूमत करेंगे। और आप बेफिक्र रहें, आप जो ख्वाब देख रहे हैं कि बीजेपी वाले खुश हैं कि कांग्रेस को नहीं लिया, हम आपको फख्र से बोलते हैं हमने ये फैसला किया है कि हम इस मरहले पे। तेजा जी इनका कहना है कि जिन्होंने कोर्ट से आके रखे हो सीएम की ओथ लेने के लिए, भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, इस कांग्रेस ने 47 से ही कोर्ट लगाने शुरू किए थे, उनके पास कोर्ट हमेशा है। ये तो आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको कोर्ट इस गर्म इलाके में लगता नहीं है, आपको बनवाना पड़ता है। तो बाकी बेफिक्र चंद्र मोहन जी, आपने भी कोर्ट सिलवाए थे आप सरकार ने, आपके बड़े कंपटीशन में थे कोर्ट, इनके भी सिले हुए रह गए। मैं गुजारिश चाहता हूँ इस डिबेट रशीद कुछ करिश्मा कर नहीं सका वरना इनके कोर्ट रंग लाते, वो एक्सपोज हो गया। अच्छा मेरी गुजारिश यह है कि आज की गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट के जो जीता हुआ है उसको भी मशवरे में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 5-6 की तो बात ही नहीं है, ये फैसला हुआ है कि किसी भी सिवाय कांग्रेस के सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सिवाय कांग्रेस नहीं है, चाहे इसके नहीं मिले, क्योंकि वो मैंडेट की कदर है, लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसकी कदर। एक की कदर करते हैं ये तो 6 की क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। लोगों ने मैंडेट ऐसा ही दिया है कि हम सब जो भी जीते हुए हैं, एक बात आप माने, जहां से भी जीते हैं उसको खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद एक अच्छे मैंडेट के तहत एक मजबूत हुकूमत का कयाम हुआ है। हाँ। और हम सबको सेंटर को स्टेट को भी मिलकर इस रियासत की तरक्की और बका के लिए काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपोजिशन को भी साथ चलना चाहिए, एक चीज में ऐड करता हूँ, इन लोगों के मैंडेट से ही आई है। एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये समझता था कि स्टेटहुड इलेक्शन से पहले अगर दिया जाता तो खूबसूरती कुछ और होती, अब चूंकि हो गया इलेक्शन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, कमिटमेंट है हाउस के अंदर भी और कोर्ट के अंदर भी कहा है विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टेटहुड शुड टर्न सो दैट जो नुमाइंदे हैं वो अपने लोगों की तवाकात के ऊपर पूरा उतरे। दिस इज माई व्यू नाउ, दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम। जल्दी जल्दी स्टेटहुड आए, आप एमएलसी बन के आए, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है, आपकी हमारी नहीं। तो आप भी बनेंगे। हमने जो जमाना देखा है, आपके भी तो 29 एमएलए हैं, आपके भी बनेंगे, राज्यसभा का मेंबर जल्दी जल्दी लेकर आगे बनेगा। लिहाजा ये पीएम की कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है। बाकी आप जो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत ये आपका सपना ही रहेगा, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कांग्रेस 10 साल में 440 से 40 से 99। भाई साहब आप 10 साल में हुकूमत होकर आप आंकड़ा नहीं ले सके अपना और आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, हम तो 10 साल से बाहर हैं।
लिहाजा 10 साल की हुकूमत के बाद भी आपको अपनी हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला, आप मजबूर होकर दो बैसाखियों के सारे हुकूमत कर रहे हैं। ये चलाने के लिए नरसिम्हा राव ने भी 5 साल सरकार मनाडी की चलाई है, इसीलिए सारा लिया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर वक्त लेना पड़ता है। बिल्कुल हम मानते इस बात को। आप अपनी परफॉर्मेंस जो 2024 के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अपनी परफॉर्मेंस संतुष्ट है? देखो परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, हमने बहुत कोशिश की है। बीच में मजाक करूंगा, फारूक साहब ने कहा है कि बिलाशक उनके 3 हैं, हमको जरूरत ना भी पड़े फिर भी हम उनको साथ रखेंगे, क्योंकि हमने रियासत की भलाई का सोचना है। ये मैग्नानिमिटी है। एक को भी रखा, एक को भी रखा उन्होंने अपने साथ। बिल्कुल, पहले 29 फिर 3। बाकी बात यहाँ तक ये है, हमारा सबका एक ही है दरबार मूव 370-35 से, हमारे स्टेट सब्जेक्ट, हमारे लैंड सेफ एक्ट और भ्रष्टाचार 5 अगस्त 2019 के बाद से हुए है, वो फाइलें बाहर आनी चाहिए। और पता कि वो कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल थे, जो एसआई की स्कैम में शामिल है, खत्म करेंगे। बोलो हमारी बच्चियों को खत्म मिला राइट था ना? अरे सबको राइट है ना, ना सबको राइट है, हमारी बच्चियों को नहीं था, सबको राइट है। पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जो राइट दिया गया उनको कैसे करोगे? महिलाओं को भी नहीं था, हमारी लड़कियों को नहीं था भैया, क्या बात छोड़िए। चंद्रमोहन जी जो आप कर रहे हैं ना बहनों का राइट, वो याद है आपको जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वो ऑलरेडी कर दिया था। ये जो इश्यूज हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज या वाल्मीकि, ये डिबेटेबल, ये हो सकता था, इसमें कोई जगह नहीं। लेकिन एक मिनट, चलो नहीं सोचा, हम मशहूर है आपने सोचा, लेकिन मैं आपको सोचा करके दिया। आज मुझे बताइए क्या आज आप नौकरी सरेंडर करेंगे बाहर के लोगों के लिए? नंबर वन, क्या आप जमीन का इस्तेमाल बाहर के लिए करेंगे? ये मुझे बताइए, हमारे डेट को आज कश्मीर की जनता का स्टेट से डेट खत्म किया है। हमारा मतलब तो इतना है कि यहाँ की लैंड सेफ हो, यहाँ जो बिजनेस करता है, क्योंकि यहाँ लास्ट कोना है। वकील साहब, आप एक घर एक कश्मीर में बनाए, एक जम्मू में बनाए, एक दिल्ली में बनाए, बंगलोर में बनाए, आप बना सकते हैं क्या? बेंगलोर दिल्ली का आदमी यहाँ नहीं बना सकता? मेरी बात सुन लीजिए, स्पष्ट कहेंगे कभी नहीं आएगा। कवर में जा चुका है, पताल में जा चुका है, मुझे भूल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेट कर दिया, क्या बात करते हो? मेरी बात सुना, हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने गिरा दिया हुआ है, हिमाचल के लोगों ने गिरा दिया हुआ है। यहाँ कहीं नहीं जा सकते, एक फौजी हमारे, एक मिनट सुनिए, फौजी जहाँ के शहीद हो सकता है, कुर्बानी दे सकता है, लेकिन 2 मरले का घर नहीं बना सकता, हिमाचल कभी नहीं होने देंगे। हिमाचल कोई दुनिया की ताकत, जब तक भारतीय जनता पार्टी भी है 35 आएगा, डोमिसाइल बना ली ले सकते हैं, लोगों ने कौन सी लॉ से ले सकते हैं? चंद्रमोहन जी, आपने जब 2014 में सरकार बनाई थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर के, और उस दौरान आपने ये 35 से 370 को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, साइलेंट मोड पे की। उन्होंने सेल्फ मोड पे, सेल्फ रूल पे भी साइलेंट मोड रखा। विनोद जी, मैं आपसे सहमत, आप कैसे करेंगे? उस वक्त भी सेम, जम्मू से मैंडेट बीजेपी को मिला था, कश्मीर से पीडीपी को मिला था, उस मैंडेट की कदर करते हुए लोगों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आपने एजेंडा बैलेंस भी बनाया, समय बड़ा कम है, एक मिनट एक बताइए, समय बहुत कम है, समय कम है, एक मिनट, क्या मतलब क्वेश्चन क्या है? एजेंडा फिनाइंस में उन्होंने 370 को साइडलाइन किया था, जी जी ठीक है, 35 से साइडलाइन किया था, उन्होंने सेल्फ रूल किया था, आपने एजेंडा फिनाइंस नहीं बनाया, क्या आप
370 की वापसी की बात करेंगे? देखिए जी, 370 तो हमारा एजेंडा है जी, लेकिन हमें मालूम है कि बीजेपी ने नहीं देना, हम इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, कोई और हुकूमत आएगी दिल्ली में कश्मीर में। मुझे एक वहाँ बहुत बड़े, मैं अब नाम क्या लूँ, वो क्या लगे पता क्या कहा, ऐसे पांच साल पहले राहुल गांधी आएगा 370 लाएगा, राहुल गांधी कब नोमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। चलिए चलिए चलिए, हुआ करते थे, छोड़िए चलिए, एक मिनट, एक मिनट में आपको बताऊंगा, वो समय भी आएगा जब राधा नाचेगी। इस वक्त भी वो शैडो, उस वक्त भी राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर है, भूल जाओ, वो एलओपी है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। शॉर्ट में एक बात है, जिस तरह से चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जम्मू वाले दिल्ली में खिर सकते हैं, मेरे भाई हिमाचल में 371 है, गुजरात में 371 है, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में 371 है। अरे भाई क्यों आप जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रहे हो? नहीं, थोड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ शुक्रिया बशीर साहब, आपका शुक्रिया, तेजस सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, एक चैलेंज तो है सरकार के लिए, लेकिन सरकार कितनी कामयाब होती है, प्रधानमंत्री दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।